मैंने आज कुछ निर्णय लिए जिनकी मैं अपने राष्ट्रीय अधिकारी श्री संजय सेवाल जी से बात करना चाह रहा था। ये आपके इको आ रही है, जो आपने नया सिस्टम अभी ऑन किया है इसको बंद कर दीजिए, इको आ रही है। आपने कहीं स्पीकर पे कहीं लगा दिया है उसको, जिससे आ रही है आवाज। आप अपना माइक्रोफोन बंद कर लीजिए, शायद आपकी इको बंद हो जाएगी। जब आप बोलने लगे तो माइक्रोफोन ऑन कर लीजिएगा। तो मेरे ख्याल से आपने माइक्रोफोन ऑफ किया है क्या? हाथ उठा के बताइए मुझे। माइक्रोफोन दिखाई नहीं दे रहा सर मुझे यहाँ अच्छा ठीक है, अब मेरी। आपकी आवाज एकदम ठीक आ रही है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं संजय जी आपको ये बताना चाहूंगा जी कि सर 3 दिन पहले अपन ने ये निर्णय लिया है, फिर आवाज आ रही है आपकी गड़बड़ कर। आपने क्या किया अभी, इसको हटाइए, हटाइए इसको। उससे गड़बड़ हो रहा है तो आप मत खड़ा करिए। हाँ अभी ठीक है। तो ये निर्णय लिया गया है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की जो राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं कुछ महीने में ही, हम उसे उसमें जो है अपने चंद्रगुप्तों को उतारेंगे, और उसके लिए जरूरत है कि वो चंद्रगुप्त पैदा किए जाएं। तो जैसा आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, राजस्थान में 200 और छत्तीसगढ़ में 90 विधायकों के लिए की जो है सीटें हैं। तो बिल्कुल हमें राइट है। अल्टीमेटली 230, 200 और 90, ये तीन जो है राज्यों की मेरिट लिस्ट बनाना होगी। आज ही मैंने एक इसमें रणनीति पैदा की है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि हमें सदस्य शपथ को और क्लियरिटी के साथ बताना होगा, और वो आज मैं उसकी रिवाइज जो है शपथ जो है आज भेजूंगा। मैं जी उसको सर आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि उसकी भाषा थोड़ी सी बदली जा रही है। वो यह है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूँ कि अपराध मुक्त भारत मिशन के सदस्य के रूप में अपराध एवं भ्रष्टाचार मुक्त भारत को बनाने के लिए मैं अपनी सदस्य शपथ को पूरा करूंगा, जिसके तहत 9 दिन की अवधि में 10-10 जी सर लोगों के माध्यम से 90 लोगों को जोड़ूंगा। यदि किसी कारण से हम 9 दिन में 90 लोगों को नहीं जोड़ पाता हूं, तो तब तक ये प्रयास जारी रखूंगा जब तक कि 90 दिन पूर्ण नहीं हो जाते हैं। दूसरा इसका रहेगा कि मैं अपने ऊर्जा को स्तर को लगातार बनाए रखने के लिए और उसे बढ़ाने के लिए मैं अपराध मुक्त भारत मिशन की YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर कम से कम एक वीडियो प्रतिदिन अवश्य देखूंगा। फिर तीसरा उसका रहेगा कि मैं अपने से जुड़े हुए लोगों को ऊर्जा कृत कर, संकल्पित कर, शपथ कृत कर जोड़ूंगा, और उन्हें यह ऑप्शन दूंगा कि वो चाहें तो अपराध मुक्त भारत के सदस्य शपथ का पूरा करें, या उनकी इच्छा है कि वो फ्रंट क्रीज पर आकर स्वयं विधायक, सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष या पंच सरपंच बनना चाहते हैं, तो उन्हें 3 शपथों को लेना होगा। पहली शपथ होगी पोलिंग बूथ के चंद्रगुप्त की शपथ, और ये पोलिंग बूथ की जो शपथ है ये रनिंग शपथ है। मतलब यदि आज अभी दिल्ली में हैं और कल आपका प्रवास इंदौर होता है, तो जहां आप रुक रहे होंगे उस वहां के पोलिंग बूथ के लोगों की एक मीटिंग आपको लेना पड़ेगी। तो इट इज ए रनिंग शपथ। मतलब रनिंग से मतलब है कि कल यदि आप पटना बिहार जाएंगे तो जिस होटल में ठहरेंगे
उस लोकल पोलिंग बूथ के लोगों को इकट्ठा करके, जितने भी 2, 4, 5, 10 संख्या जरूरी नहीं है, लेकिन आप एक संगोष्ठी जरूर करेंगे, राइट? तो पोलिंग बूथ की शपथ जो है एक रनिंग पोलिंग बूथ की शपथ है, जहां आप ठहरे हैं वहां पर वो लागू हो जाएगी। तो आप दिल्ली में जहां पर हैं या आप कहीं शादी ब्याह में गए हुए हैं, तो जहां आप गए हैं उसका जो भी लोकल पोलिंग बूथ है, चाहे वो घर का पोलिंग बूथ हो या किसी होटल में ठहरे हैं, तो होटल का जहां होटल जिस पोलिंग बूथ में पड़ रहा हो, उसमें एक पोलिंग बूथ की जो है ना, उस लोकल लोगों की एक हमें संगोष्ठी लेना होगी, जिसमें हमें अपराध मुक्त भारत के बारे में समझाना होगा। और ये बहुत अच्छे ढंग से समझाना होगा कि हमारे दो संभावनाएं हैं। एक संभावना है कि हम जो है पर्दे के पीछे रहकर मात्र जो है सदस्यी संकल्प को पूरा कर स्वयं के लिए, अपने बच्चों के लिए और पोते पोतियों के लिए, मतलब भावी पीढ़ियों के लिए एक अच्छे भारत का जो है को स्थापित करना चाहता हूँ। और उसमें हम सामने आकर खेलने नहीं खेलना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी परिस्थितियाँ हमें नहीं इजाज़त दे रही हैं, या हम उतना हमारी सोच का हिस्सा नहीं है। हम स्वयं सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष या पंच सरपंच नहीं बनना चाहते हैं। सदस्य संकल्प को पूरा कर मेरी जिम्मेवारी पूरी हो जाती है, तो हमें पर्दे के पीछे सदस्य संकल्प को पूर्ति करने की बात उनको समझाना है। और दूसरा ये बताना है कि हमें जो है, यदि चंद्रगुप्ती इच्छा है तो चंद्रगुप्ती प्रयास करना होंगे। जैसे कि हम एक कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में बैठते हैं, तो उस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में बैठने की पात्रता हमारी तभी होती है जब हम जो है, कहना चाहिए कि जब हम उस एग्जामिनेशन का फॉर्म भरते हैं। तो ये जो ये तीन शपथ हैं, ये फॉर्म मान लीजिए आप, बिना ये फॉर्म भरे जो है आपकी शपथ प्रारंभ नहीं होगी। इसका मतलब है कि उसके लिए आपकी चंद्रगुप्त की यात्रा ही प्रारंभ नहीं हुई है, राइट? तो चंद्रगुप्त की इस यात्रा के लिए अब तीन शपथ हो गई हैं, एक शपथ से काम नहीं चल रहा है। एक है बूथ लेवल की शपथ, जिसको ये रनिंग बूथ है, मतलब आप जहां ठहरे हुए हैं, यदि आप टेम्परेरी प्रवास के लिए इंदौर जाने वाले हैं, तो इंदौर का जो पोलिंग बूथ है जहां आप 3 दिन रुकेंगे, उस पोलिंग बूथ के लोगों को आपको कहीं पर भी इकट्ठा करके उनसे बात करना है। उनकी संख्या महत्वपूर्ण नहीं है कि आप 2 लोगों से बात कर रहे हैं, 5 लोगों से बात कर रहे हैं, 10 लोगों से बात कर रहे हैं, 20 लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन ये आवश्यक है कि वो संगोष्ठी होना चाहिए पोलिंग बूथ लेवल की। तो पोलिंग बूथ की जो शपथ है वो रनिंग शपथ है। इसका मतलब है आज आप जहां हैं वहां पर आपको वो पोलिंग बूथ की जो है मीटिंग करना होगी, राइट? ए पॉइंट क्लियर हो गया? अच्छा, दूसरा है कि आप जो है किस स्तर के चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं। तो चूंकि अभी मुख्य जो है 2024 के पहले जो भी राज्यों के चुनाव हैं, जिसमें कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान है, यहाँ पर विधायकी चीज सबसे महत्वपूर्ण होगी। तो जिस राज्य के हम वोटर लिस्ट के हिस्सा है, या जहाँ से हम लड़ना चाहते हैं, वहाँ के वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा कर वहाँ के की पात्रता प्राप्त करके हम वहाँ की मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमको जैसे विधायकी, यदि हम बनना चाहते हैं, तो विधायकी चंद्रगुप्त की शपथ लेना होगी, जिसमें कि हमें ये स्पष्ट करना होगा कि हम किस विधायक क्षेत्र के की शपथ ले रहे हैं। नंबर 1, इसमें ये चीज महत्वपूर्ण है कि विधायक के नीचे के जो क्षेत्र हैं, जिसमें कि जिला का क्षेत्र है, ब्लॉक का क्षेत्र है, आपका पोलिंग बूथ का क्षेत्र है, यहाँ पर हमें
चाहे सदस्य जो है ना भूमिका लेने वाले या चंद्रगुप्ती भूमिका वाले लोगों को पहचानना होगा, जिससे कि वो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ पाए। और आप मेरिट लिस्ट में आ गए और उन्होंने अधिक से अधिक लोगों को जोड़ लिया, तो उनकी संख्या बहुत अधिक होगी और वो अपने छत पे खड़े होकर अपने चंद्रगुप्तों के फेवर में जब संकल्प लेंगे, तो हम बिना 5 पैसे खर्च किए हम अपने चंद्रगुप्तों को जिता पाएंगे। तो यदि आप विधायक की चंद्रगुप्त की शपथ लेते हैं, तो आपका विधायक जो है वो राज्य स्तरीय है, तो राज्य स्तरीय चंद्रगुप्त की भी शपथ लेना होगी। तो राज्य स्तरीय चंद्रगुप्त को अपने नीचे जिला स्तर के जो है चंद्रगुप्तों को खोजना है, सब डिवीजन स्तर के चंद्रगुप्तों को खोजना है, ब्लॉक स्तर के चंद्रगुप्तों को खोजना है और अपने जो है पोलिंग बूथ के स्तर के चंद्रगुप्तों को खोजना है। तो ये आप अपने विधायक क्षेत्र में ही फोकस करें, आप अपने विधायक क्षेत्र में ही फोकस करें। तो जो आप कर रहे हैं राज्य स्तरीय जो है ना चंद्रगुप्त की जो है ना कार्रवाई, लेकिन उसमें जो है आप उसको अपने एरिया के लिए जो विधायक क्षेत्र है उसी में ही ये कार्रवाई करिए। ये बात आपको समझ में आ गई है क्या? तो विषय में पहले से ही अवगत हूँ सर। आप इस विषय में, लेकिन ये जो अभी आज पोलिंग बूथ का और फिर जो है विधायक स्तरीय और राज्य स्तरीय, ये तीन जो है संकल्प लेना है। अभी मैना जी का हमें मुझे फोन आया था, मैना कंवर जी का, और उन्होंने पूछा था कि साहब ये जो अपन कर रहे हैं इसके क्या लाभ हैं। तो मैंने मैना जी को तो नहीं कहा, मुझे ऐसा लगा कि मैंने उनको पूरी रामायण सुना दी और वो मुझसे पूछ रहे हो कि जो है सीता का अपहरण किसने किया था, राम ने या रावण ने। तो ये बात मुझे लगा। तो मैं अब आपके माध्यम से ये बात सभी लोगों को समझाना चाहता हूं कि हम सभी के पैर में बीमारी फटी हुई है। इन दुष्ट राजनेताओं ने हमारे ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हुए हैं, जी राइट? सर, राइट और सर। आपकी मेरी तस्वीर आ रही है सर आपकी स्क्रीन पे? मेरी हैं? तस्वीर आ रही है सर आपकी स्क्रीन पे? हाँ, आ रही है, आ रही है, डोंट वरी। नहीं आ रही जी, आपकी आवाज भी आ रही है और आपकी तस्वीर भी आ रही है। मेरी मेरी स्क्रीन पे आपकी तस्वीर नहीं आ रही सर। नहीं आ रही है तो मैं कुछ करता हूं इसके लिए, मेरे लिए तो बड़ा साधारण सा काम है। तो आपकी नहीं आ रही सर, मेरी आ रही है। अच्छा, ओके, एक मिनट, मेक फुल। अब केवल मेरी आप मेरी ही दिखाई दे रही होगी आपको। नहीं, अब मेरी भी आ रही है जी और आपकी भी आ रही है सर। चलिए, लेकिन अब जो है जो रिकॉर्ड हो रही है वो केवल मेरी हो रही है, ठीक है ना? जी सर, चलिए, तो कोई कुछ समय के लिए ऐसा भी चलने देते हैं। तो मैं आपके माध्यम से मैना जी को भी और जितने भी करायम-फ्री भारत के सदस्य हैं या चंद्रगुप्त हैं उनको ये समझाना चाहता हूं कि इसके इतने ज्यादा फायदे हैं जो कि व्याख्या करने के परे हैं। आज के इन 10 राजनेताओं ने हमारे ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं, राइट? और पूछता है सर हमें फायदा क्या है, तो नहीं, वो फायदा बता रहा हूं, वो फायदा वही फायदे नहीं बता नहीं रहा। सर हाँ हम लोग हाँ सुबह से देखिए यही देखिए देखिए बात देखिए देखिए, ये जो है ना हर किसी को प्रयास करने का मौका है। हमें प्रयास चाहिए, चंद्रगुप्ती में प्रयास है, समझ या अकल का जो है ना कोई रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि उसकी अकल कम भी है तो भी जो है जो पीछे चाणक्यों की फौज रखी इकट्ठी की गई है वो जो है उनके लिए होमवर्क करेंगे, उनको प्रेजेंटेशन देंगे, उनको समझाएंगे और उस चीज को जमीन पे उतार दिया जाएगा, राइट? तो यहाँ पर भागीरथी प्रयास करना जरूरी है। समझ यदि थोड़ी सी कमजोर भी है तो उससे हम काम चलाएंगे। यहाँ पर जो है भागीरथी प्रयास और भागीरथी संकल्प की ज्यादा महत्व है, क्योंकि जो यदि आपका जो है दिमागी फैकल्टी थोड़ी सी कमजोर है तो उसकी भरपाई करने के लिए चाणक्यों की एक फौज हमने पीछे अपने खड़ा करके रखी है।
जो टेक्नोलॉजी से लेके कानून से लेके सभी चीज पर होमवर्क कर रही है, और इसमें बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं, उन संगठन को सीधे सीधे मैं जोड़ते जा रहा हूं, तो मेरा काम और भी आसान होता जा रहा है, राइट। लिहाजा भविष्य में आप अब इस क्वेश्चन को नहीं पूछेंगे कि वो दिमागदार है कि नहीं है, ये है कि नहीं है, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट केवल ये है कि क्या वो भागीरथी प्रयास करने का इच्छा रखता है, क्या वो भागीरथी प्रयास करना चाहता है, और भागीरथी प्रयास कोई बड़ी बात नहीं है, आपको संगोष्ठियां करना है, क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल के वीडियो दिखाना है, उनसे चर्चा करके उनको व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ना जोड़ना है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे भी जोड़ना है, और अपनी प्रोफाइल आईडी डालते रहना है कि जब जब उनका ज्ञान बढ़ता जाए तब जो है वो क्राइम फ्री भारत मिशन के ऐप से जुड़ जाएं, इतनी कार्रवाई करना है, राइट। जी सर, अब जो है ना एक चीज हमने स्पष्ट कर दी है कि जो लोग हैं जहां पर भी हैं उन्हें यदि वो चंद्रगुप्त इच्छा रखते हैं, चंद्रगुप्त इच्छा नहीं रखते हैं तो केवल सदस्य जो संकल्प उसे पूरा करके 90 लोगों को जोड़ के आपका कर्तव्य की पूर्ति हो जाती है, चूंकि आप पर्दे के पीछे रहने वाले हैं, इससे ज्यादा हम आपसे अपेक्षा कर ही नहीं रहे, राइट। लेकिन यदि आपकी चंद्रगुप्ती अभिलाषा है, चंद्रगुप्ती आकांक्षा है, तो फिर आपको बूथ लेवल का शपथ भी लेना है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी कुछ महीने तक हमारा ज्यादा जो है वो विधायकी क्षेत्र पर हम फोकस करेंगे, राइट। तो सभी लोग विधायकी क्षेत्र पे थोड़ी देर के लिए फोकस कर दें, जैसे ही ये चुनाव खत्म होंगे मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के, फिर हमारा पूरा फोकस सांसदी के ऊपर पहुंच जाएगा, राइट। तो अभी सभी लोगों को सभी राज्यों में जहां पे चुनाव नहीं भी है वो विधायकी क्षेत्र के ऊपर फोकस कर जाए, ठीक है ना, राइट। तो विधायकी क्षेत्र के लिए उनकी सबसे पहली और बड़ी जिम्मेवारी है शपथ का जो हिस्सा है कि उन्हें जिला स्तर पर, उन्हें सब डिवीजन स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और पोलिंग बूथ स्तर पर अपने विधायकी क्षेत्र के उन्हें चंद्रगुप्तों को खोजना है, उन चंद्रगुप्तों को बात करना है, उन चंद्रगुप्तों से उनको संकल्प दिलाना है, और जो चंद्रगुप्त बनने की हिम्मत नहीं रखते हैं बातचीत के दौरान उन्हें सदस्य शपथ दिला दी जाए, ठीक है ना, क्योंकि ये सामने वाले को निर्णय लेना है कि वो चंद्रगुप्त बनना चाहता है या सदस्य बनकर मात्र जो है 90 लोगों को जोड़ने का संकल्प पूरा करते हुए वो व्यवस्था का लाभ लेना चाहता है, खुद चंद्रगुप्त बनकर, खुद विधायक और सांसद बनके वो उस लफड़े में नहीं फंसना चाहता है, वो उसकी सोच का हिस्सा नहीं है। तो ये बात आपको बार बार करना है कि आपको सदस्य की इच्छा है या चंद्रगुप्त की इच्छा है, और किसी तरीके का जोर नहीं डालना है, राइट। तो जब आप चंद्रगुप्तों की खोज कर रहे हैं, आप तो चंद्रगुप्त की खोज कर रहे हैं, बातचीत में आपको लगा कि वो सदस्य सोच रखने वाला व्यक्ति है तो उसे सदस्य शपथ दिला दी जाए, यदि वो चंद्रगुप्ती सोच रख रहा है तो फिर चंद्रगुप्ती शपथ दिला के उसको आगे बढ़ाया जाए। लेकिन हर किसी को बूथ लेवल जो है वो शपथ लेना अनिवार्य है, और बूथ जो है इट इज ए रनिंग बूथ, तो जहां पर आप हैं चाहे आप घूमने ही गए हो, वहां पे आपको जो है 10-15 मिनट का समय निकाल के लेना पड़ेगा। अब अज्यूम करिए कि आप पत्नी के साथ घूमने जाते हैं, तो जिस होटल में ठहरे हैं चाहे उस होटल के कर्मियों को ही बुला के उनको लोकल पोलिंग बूथ का मान के यदि आप उनको ब्रीफिंग कर देते हैं तो भी हमारी मंशा पूरी हो जाती है, ठीक है ना। फिर जब आप विधायकी जो है उसको दूरी जो कर रहे हैं या राज्य स्तरीय चंद्रगुप्त की भूमिका कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर राज्य स्तरीय चंद्रगुप्त की भूमिका भी आपके विधायक क्षेत्र पर ही सीमित कर रहे हैं, तो देखा जाए कि आप विधायकी संसद का ही काम पूरा कर रहे हैं, और उसमें आपको ये देखना है कि हमें जो है जिला स्तर पर, सब डिवीजन स्तर पर और बूथ स्तर के चंद्रगुप्तों को खोजना है, और खोजने के दौरान यदि ये समझ में आता है कि वो व्यक्ति चंद्रगुप्त इच्छा नहीं रख रहा है तो उसे सदस्य स्तरीय जो है ना वोट दिलाते हुए और वो उसको आगे कर दिया जाए, ठीक है ना।
अब फायदे वाली बात है तो फायदा सबसे बड़ा ये है कि आज आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं, आज आप पर टैक्स का बर्डन डाला हुआ है, आज आप पर महंगाई का बर्डन डाला हुआ है, टैक्स से ज़्यादा टैक्स कंप्लायंस का खतरा आपके ऊपर डाल दिया है। तो कुछ आदमी टैक्स से जो है ना घबराए हुए हैं और कुछ लोग टैक्स के कंप्लायंस से घबराए हुए हैं। आज के सिस्टम में हर व्यक्ति दुखी है, कोई बाहुबली से दुखी है, कोई चंदे से दुखी है, कोई महंगाई से दुखी है। तो हमें जो है ये बताना है कि जो नया सिस्टम आ रहा है उसमें गुलामों के नियम कानून तो बदल ही दिए जाएंगे, इस व्यवस्था को पारदर्शी बनाया जाएगा और जो अधिकारी निर्णय ले रहा है वो सही निर्णय लेने की क्षमता भी उसे रखना चाहिए और सोच भी रखना चाहिए। यदि वो गलत निर्णय लेगा जानबूझ के तो उसे जो दंड मिलना है प्रशासकीय वो तो मिलेगा ही, साथ ही उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा जो क्षति जो है उसके निर्णय के कारण लोगों को हुई है, राइट? और इस क्षति में भी दोगुना गुणा किया जाएगा। तो आपके निर्णय से किसी को 5 लाख का नुकसान हुआ है तो आपसे 10 लाख की रिकवरी होगी, राइट? 5 लाख चले जाएंगे उस विक्टिम के पास और बचे हुए 5 लाख सरकार के पास जाएंगे, क्योंकि आपको टैक्स फ्री भारत मिलने वाला है, राइट? तो दूसरा आपको बड़ा लाभ हो रहा है कि आज जो चारों तरफ दुष्ट छाए हुए हैं, जो एक के बाद एक गलत निर्णय लेते हैं और इन राजनेताओं के चरण सेवक बने हुए हैं, अब इनकी मोटी खाल हो गई है, इन्हें डर नहीं रह गया है, ये भ्रष्टाचार भी खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं, तो उन्हें भ्रष्टाचार से भी मुक्ति मिलेगी। और ये जो लोग हैं ये कल से जो है जैसे ये नया सिस्टम आएगा तो ये मददगार बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि गलत निर्णय लेने की इनकी क्षमता नहीं होगी। जैसे टैक्स जो है खत्म हो जाएगा तो चाहे इनकम टैक्स के लोग हों चाहे जीएसटी वाले लोग हों, वो सब जो है आपके मददगार बन जाएंगे। तो नए सिस्टम के तहत आपकी ना तो चेक बाउंस होगी और ना ही आप दिवालिया होंगे। पेपर करेंसी मुक्त भारत हो जाएगा तो ना हवाला कांड होगा, ना भ्रष्टाचार होगा, ना टुकड़े टुकड़े गैंग होंगे, कुछ नहीं होगा। तो आपकी सभी समस्याएं जो उससे रिलेटेड हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो आपको भ्रष्टाचार मुक्त भारत जो है वो मिलेगा और डेवलपमेंट के लिए आपके पास 20 गुना पैसा होगा। तो कितना अच्छी बात होगी कि ना तो आपकी चेक बाउंस हो रही है, ना आप दिवालिया हो रहे हैं, क्योंकि इतने लोग जो फ्री होंगे, जैसे ही सिस्टम बताएगा कि इनका जो है ना 3 महीने से कुछ गड़बड़ चल रहा है, जितना इनफ्लो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, और उसके लिए आपके अकाउंट देखने की हमको जरूरत नहीं होगी क्योंकि आपकी रेवेन्यू इनफ्लो और रेवेन्यू आउटफ्लो हमारा जो है ना सिस्टम ही बना के हमको देता रहेगा, राइट? तो हमारे लोग आपकी मदद के लिए पहुंचेंगे कि आपका सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, हाउ कैन आई हेल्प यू। तो आप ये सोचिए आज जो आप छिपाते फिरते हैं कि साहब किसी को मालूम ना पड़ जाए कि हम दिवालिया होने वाले हैं, और दिवालिया तो आप 6-8 महीने पहले 1 साल पहले हो चुके रहते हैं, तब तक आप यहाँ से कर्ज लेके वहां से कर्ज लेते के जैसे छिपा जितने समय तक छिपा सकते थे उतना छिपाया, और फिर आप जो है ना जब दिवालिया घोषित हो गए तो आप भाग गए, कोई लंदन चला गया, कोई अमेरिका चला गया, कोई कहीं चला गया, राइट? इसमें जो है आपको दिवालिया ही नहीं होने दिया जाएगा और सिस्टम आपकी मदद के लिए पहुंचेगा। तो बताइए कितना आनंद का विषय होगा, कर्ज होगा नहीं, जो टैक्स होगा नहीं, महंगाई होगी नहीं, टैक्स का कंप्लायंस का बर्डन होगा नहीं, आपकी चेक बाउंस होगी नहीं। और हाँ लोगों के मन में ये संशय रहता है सर कि टैक्स नहीं लोगे तो भाई सरकार कैसे चलाओगे। पढ़े लिखे लोगों के वकील भी ये पूछते हैं मैं कि ये टैक्स नहीं चाहता लोगे। हूं कि ये जरूर पूछा जाए, और ये यदि वो मुझसे सीधे पूछेंगे तो मैं उनको वीडियो पे जवाब भी दूंगा इसका। मैं ये जी चाहता हूं, वैसे मैं आपको भी चूंकि पूछ लिया आपने तो मैं रेफरेंस के लिए बता दूं, सर अभी जो अपन ने एक छोटी सी बात कही कि गलत निर्णय पर विक्टिम को क्षतिपूर्ति होगी और दुगनी चार्ज होगी, तो कितना बड़ा पैसा, क्योंकि ये तो दुष्ट लोग जो है ना गलत निर्णय ही लेने के आदी बने हुए हैं, तो इनसे जी कितनी वसूली होगी और इससे कितना ज्यादा पैसा सरकारी खजाने में आएगा, नंबर 1। नंबर 2, जो क्राइम फ्री भारत में
तार जो है फरियादी को पैसा मिलने वाला है, गवाह को पैसा मिलने वाला है, जो वकील जो है काम करेगा उसको पैसा मिलने वाला है, तो दोनों वकीलों को पैसा जो है सिस्टम ही देगा, राइट? मतलब आपके डिफेंस लॉयर को भी जो है जो मुकदमा लड़ रहा है उससे पैसा नहीं देना है, राइट? उसको पैसा भी सिस्टम ही देगा। यदि उसमें लैंग्वेज इंटरप्रेशन है तो लैंग्वेज इंटरप्रेटर को भी पैसा सरकार जो है ना सिस्टम देगा। और वकील जो है ना, वकील तो हो गया है, फॉरेंसिक साइंस या जज महोदय हैं, तो जितनी भी सैलरी बढ़ रही है इस सैलरी को दो भाग में स्प्लिट कर दिया जाएगा। एक होगी बहुत छोटी सी सर्वाइवल बेस सैलरी, राइट? और दूसरी होगी रेवेन्यू स्ट्रीम जो उसके काम से जुड़ी होगी। तो सम टोटल ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम को जब हम जोड़ेंगे तो आज जो है जो जज महोदय को सैलरी मिल रही है इससे दुगनी सैलरी मिलेगी, राइट? तो जब आप कहेंगे साहब दुगनी सैलरी देना है तो फिर ये ड्रामा नाटक क्यों कर रहे हैं, तो उसके पीछे लॉजिक है। उसके पीछे लॉजिक है कि ये जो हम रेवेन्यू स्ट्रीम दे रहे हैं, इस सम टोटल ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम में दो का मल्टीप्लिकेशन करके अपराधी से लिया जाएगा, राइट? तो ये कितनी बड़ी राशि होगी। एक एक केस में जो है अपराधी को 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ की देना पड़ेगी जब राशि, तो अपराधी की औकात नहीं होगी कि वो सिस्टम को फेस करे। तो जैसे ही वो अपराध करेगा वो ना तो जो है ना किसी की एफआईआर का वेट करेगा, राइट? ना ही जो है ना आपके जो है ना इविडेंस कैप्चरिंग से लेके कोर्ट का केस करेगा। वो खुद जाके कहेगा कि हुजूर मुझसे गलती हो गई है, अपराध हो गया है, अब जो मिनिमम सजा आप मुझे दे सकते हैं वो दे दीजिए। करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि वो जो है इस प्रोसेस का जो लोडिंग है उसको सहने की क्षमता नहीं रखता है, राइट? ये अपने आप में कम से कम 10 गुने से ज्यादा रेवेन्यू होगा, 10 गुने से ज्यादा रेवेन्यू होगा, राइट? अब आप देखिए जैसे हम मोटर व्हीकल एक्ट का ही ले लें, तो मोटर व्हीकल एक्ट में आप रोड पे देख लीजिए सभी टू व्हीलर्स और अधिकांश फोर व्हीलर्स की जो नंबर प्लेट है वो नोटिफिकेशन के अनुरूप नहीं है। और इसमें पहली पहले उसमें 2,000 का फाइन है, दूसरे बार में 5,000 का फाइन है, इसके बाद 3 महीने की सजा भी है। कोई ध्यान ही नहीं देता है, राइट? अब जो ना सिस्टम इसे कैप्चर करेगा तो चाहे वो बेल्ट लगाने का हो, चाहिए हो, चाहे वो हो, सबका मिनिमम 2,000 का फाइन है। और यदि यही गलती जो है लॉ इन्फोर्सर के माध्यम से हुई है तो पहली बार मोटर व्हीकल एक्ट में इस बात का प्रावधान किया गया है कि लॉ एनफोर्सर से दुगना पैसा वसूल किया जाएगा, राइट? तो सामान्य व्यक्ति के लिए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में 2,000 से लेके 25,000 का दंड है, लेकिन यदि वही गलती पुलिस वाला या और कोई लॉ एनफोर्सर करता है तो उसके लिए दंड 4,000 से लेके 50,000 का है, राइट? अब अपन जो है सिंपल आदमी को लेते हैं और 2,000 रुपए का जो है ना अर्थदंड होता है, और उसको पकड़ने के लिए कितने तरीके होंगे। कोई भी आम आदमी ऐप के माध्यम से उसे कैप्चर कर सकता है, तो आपको ये अनुमति नहीं होगी कि आप वीडियो डाल के कर लें, नहीं, वो वीडियो भी उसी ऐप के माध्यम से रिकॉर्ड होगा जिससे आप जो है ना किसी चीज को फैब्रिकेट ना कर पाए। वो ऐप जो है उस वीडियो को रिकॉर्ड करेगा, उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये भी कह देगी कि इसने क्या जुर्म किया है। वो जो है आगे चल के जब हमारी शक्ति होगी तो हमें किसी सब इंस्पेक्टर के सिग्नेचर की भी जरूरत नहीं होगी, हम सिस्टम को ही वो अथॉरिटी दे देंगे, राइट? सिस्टम के पास आपकी आइडेंटिटी है। अब अज्यूम करिए कि यदि भारत का हर नागरिक एक बटन दबाता है, राइट? तो 137 करोड़ लोग जो है एक बटन दबाएंगे तो दो सबसे मिनिमम ऑफेंस को पकड़ते हैं 2,000 रुपए का, राइट? तो 2,000 में से 1,000 सरकार के पास जाएंगे और 1,000 जो है जो उसे पकड़ेगा, राइट? तो पकड़ने के तरीके क्या क्या है, एक ऐप हो गया है, दूसरा सीसीटीवी हो गया है, तीसरा आईओटी डिवाइस हो गया है, चौथा ड्रोन हो गया है, और ढेर सारे जो है और ऐसे डिवाइसेस लगाए जाएंगे और इसकी ऑनरशिप सरकार के पास नहीं रहेगी।
ये जो है जिसके पास पैसा नहीं है तो लोग बाग सबको मालूम है कि 3 महीने के अंदर से और उससे कम समय में ही ये रिकवरी ऑफ मनी हो जाएगी, तो हर व्यक्ति के पास अपने आप जो है ना बैंक चल के पहुंच जाएगा, लोग बाग पहुंच जाएंगे, कहेंगे आप चिंता मत करिए, आपको 5 पैसे नहीं देना है, हम आके सिस्टम आपके यहाँ लगा देते हैं, राइट। अब आप ये सोचिए, तो वो 1,000 उस सिस्टम वाले के पास पहुंच जाएंगे, या जो ऐप से पकड़ रहा है तो ऐप वाले के पास पहुंच जाएंगे, और 1,000 सरकार के पास आ गया। तो अभी जो पब्लिक में बट रहा है उसको थोड़े मिनट के लिए अपन भूल जाते हैं। यदि 137 करोड़ लोगों ने एक बटन दबाया तो सरकार के पास कितना पैसा आ जाएगा? 137,000 करोड़। करेक्ट, करेक्ट। तो ये कितना बड़ा पैसा है, और फिर एक ही बटन क्यों दबाएंगे? आपने यदि 10 बटन दबा दिए तो तो नेचुरली बात है जी, तो उसे 10 गुना हो गया जी वो। जितना आप टैक्स से कमा पा रहे हैं, हमने एक मोटर व्हीकल एक्ट से ही इतना कमाने की बात कर दी है। कर दी कि नहीं कर दी है? तो ऐसे जो है ढेर सारे वायलेशन कैप्चरिंग की चीजें इनेबलिंग होंगी। आगे चल के भारत में ट्रैफिक लाइट नहीं होगी, ट्रैफिक लाइट फ्री भारत होगा। ये बड़ा गोरख धंधा है, और हम तो कह रहे हैं जितने जो है फ्लाईओवर बन गए हैं वो बन गए हैं, आगे चल के भारत में कोई फ्लाईओवर नहीं बनेगा क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं होगी। रेड लाइट होगी नहीं तो कहीं पे कोई चौराहा ही नहीं होगा, वो क्लोज रहेगा, केवल डायवर्सन्स होंगे। तो आप डायवर्सन से यू टर्न लेके अपने आप को जहां जाना है वहां पहुंचाएंगे, तो जैसे गूगल आपको गाइड करता है, ऐसा ही एक भारत का ऐप होगा जो आपको सिर्फ इतना बताना है कहाँ जाना है, वो आपको बताएगा कहाँ से डायवर्सन लेना है, और इंटर व्हीकल डिस्टेंस भी को अपराध बना दिया जाएगा। जैसे ही आप क्लोजर जाएंगे तो आपका सेंसर आपको बताएगा यू आर गोइंग क्लोजर टू द व्हीकल, राइट, और वो कैप्चर उसको इन्फॉर्मेशन को जो है वो डिजिटल चित्रगुप्त के पास भेज देगा, तो आपका चालान कट जाएगा। आपको भी वार्न कर दिया है, उसका फोटो भी ले लिया है। अब बताइए कि यदि उस पर 1,000 रुपये हमने ले लिया तो कितनी बार आप जो है ना बहुत क्लोज आ जाते हो। यदि आप उसमें जा रहे हैं वन वे में, तो जैसे ही आपकी गाड़ी घुसेगी वो आपको वार्न करेगा यू आर इन वन वे, और उसके फोटो सहित जो है ना कॉन्टेंट डिजिटल चित्र को भेज देगा, और आपका 2,000 रुपये फाइन हो जाएगा। तो इससे कितना बड़ा धनराशि पैदा होगा। तो पैसे की चिंता मत करो, सरकार जितना कमा पा रही है उससे 10 गुना और 20 गुना ज्यादा पैसा, 1 और 2 पर 10-20% हायर नहीं, 10 टाइम्स और 20 टाइम्स होगा पैसा। अब आप देखिए सब जगह पे लाइन खिंची होगी, जैसे ही आपने अपना सामान उस लाइन के बाहर रखा, सिस्टम विल क्रिएट ए चालान और आपका पैसा लग गया, तो आपकी समस्याएं खत्म होना चालू हो गई। जो गाड़ियां आजकल खड़े होकर रास्तों को चौक कर रही हैं वहां पे कैमरे लगे होंगे, और आप जो है ना आपको ड्रॉप करके, क्योंकि आपको कन्वीनियंस भी देना है, आपको पीड़ित नहीं करना है, तो अज्यूम करिए कि आपको जो है ना आप उतर गए और वहां पे ड्राइवर्स की एक एडवोकेट नंबर में जो ना ड्राइवर्स वहां उपलब्ध होंगे जो आपकी गाड़ी को ले जाके मल्टीपल जो है पार्किंग वाली जगह पे जाके पार्क कराएंगे, जब आप उसको क्लिक करेंगे तो वो आपको गाड़ी लाके आपको फिर जो है ना आपके पास ले आएगा, और आप अपनी गाड़ी में मूव कर पाएंगे। तो कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और जो भी वायलेशन करेगा उस वायलेशन के कारण धीरे से जो है ना हमारा स्वभाव बदल जाएगा, हम कंप्लायंस मोड में आ जाएंगे। जी। अब आप ये देखिए कि हमने पेपर करेंसी मुक्त भारत कर दिया और 2% की ट्रांजेक्शन फीस कर दी, राइट। ये अपने आप में कम से कम आज की तुलना में 10 गुना ज्यादा जो है ना धनराशि पैदा करेगा। तो हम जो है ना भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएंगे, हवाला मुक्त हो जाएंगे, टुकड़े टुकड़े गैंग मुक्त हो जाएंगे, और ऊपर से 10 टाइम्स ज्यादा रेवेन्यू मिलेगी। तो आज यदि हम ये नहीं कर रहे हैं तो हम मूर्ख हैं कि नहीं है? बिल्कुल सही है बात। तो जब हमारे पास आज की तुलना में 20 टाइम्स ज्यादा जो है ना रेवेन्यू आ रही है, और अधिकांश जगह हम सैलरी को घटा के बेस सैलरी पे ले जा रहे हैं, और रेवेन्यू स्ट्रीम जो है हम में वो कर रहे हैं, और रेवेन्यू स्ट्रीम कहीं ना कहीं किसी दूसरे के ऊपर ओवरलोड हो रही है, तो हमारे प्रशासनिक खर्चे घट के 1/10 हो जाएंगे। तो आपके पास 20 टाइम्स ज्यादा मनी है,
खर्चा आपका घट के जो है ना 10 गुना हो गया, तो ये बाकी पैसा कहाँ जाने वाला है? ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जाएगा। भारत जो है बिगेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनेगा। तो आपको अपनी बात का कुछ कुछ जवाब मिला है कि नहीं मिला है? मैं तो संतुष्ट हूँ, मैं तो संतुष्ट हूँ सर। नहीं तो आपको पैसा कहाँ से आएगा ये मैंने बता दिया ना, और ये तो हमने नमूने दिए हैं। ऐसे तो 2500 जो है कॉस्मिक जो है डिजाइन मेरे पास अवेलेबल है, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, ये भ्रम मत करना कि मैं बता रहा हूँ, मुझे भी कोई दूसरा ही बता रहा है, ठीक है ना? मैं तो सिर्फ बोल रहा हूँ, बता तो कुछ ऊपर वाला ही रहा है, राइट? तो जब ऊपर वाला रास्ता बता रहा है, आपके खर्चे बन टेंथ हो जा रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब हो जा रहे हैं, पूरी देश ही बदल जाएगा। इस देश में कोई गरीब व्यक्ति नहीं रहेगा। आप बताओ कितने आनंद की बात होगी कि महंगाई नहीं होगी। गरीब रहना चाहे तब भी नहीं रह पाएगा जी, सबसे बड़ी बात तो ये तो कि कोई रहना भी चाहे तो भी नहीं रह पाएगा। अब ये फायदे ही फायदे हो गए हैं। आज जो है ये दुष्ट और कालेचरित्र के नेता ये आपके प्रतिनिधि बने हुए हैं, ये अच्छे लोगों को टिकट ही नहीं देते हैं। इन्होंने दुष्टता पूर्वक आपके पास जो है ना आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं, और इतने दुष्ट हैं कि जिन कार्यकर्ताओं कर्मठ कार्यकर्ताओं के कारण ये दुष्ट लोग राजनेता बने हुए हैं, ये उनके साथ ही रोज विश्वासघात कर रहे हैं। उनको टिकट ना देकर बाहुबलियों को, अपराधियों को, दल बदलुओं को, और अपने आकाओं के और खुद के कुसंस्कारित बच्चों को जो है ना टिकट दे रहे हैं, क्योंकि इनको जो है अच्छे संस्कार तो मिले नहीं है। अब ये बताओ एक मुख्यमंत्री का लड़का जो 2-3 टेनवर जो है ना मुख्यमंत्री रहा है, उसका लड़का जो है उप मुख्यमंत्री तो बन गया लेकिन है 9वीं फेल, तो शिक्षा क्यों नहीं मिली उसे? जैसे वो शिक्षा नहीं मिल पाई है, ऐसे उसे संस्कार भी नहीं मिल पाए हैं। तो एक कुसंस्कारित बच्चे हैं। सही बात है सर। तो ये लोग तो अपराधियों को टिकट दे रहे हैं। आप ये सोचिए, आज जो है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 सदस्यीय विधानसभा है, जिसमें 205 जो है वो आपराधिक चरित्र के व्यक्ति हैं। इसका मतलब है द मेजॉरिटी ऑफ द लॉ मेकर दे देमसेल्फ्स आर द क्रिमिनल्स। और जब हम कहते हैं कि अपराध रजिस्टर है या अपराध रजिस्टर नहीं है, ये भ्रम है आपका। ये अपराध रजिस्ट्रेशन के बाद, चालानी साक्ष्य होने के बाद, न्यायालय में प्रस्तुत करने के बाद, कोर्ट ने वो प्रथम दृष्टया सभी साक्ष्यों का परीक्षण करके चार्ज फ्रेम कर दिया गया है, और बहुत सारे केस में तो उनको सजा मिल चुकी है। वो अपील की ऑक्सीजन के आधार पर इसमें बैठे हुए हैं, विधानसभाओं में और पार्लियामेंट में। तो वो अपराधी हैं। और कई बार लोग ये सोचते हैं कि भाई नेतागिरी में छोटे मोटे ऑफेंस तो कायम हो जाते हैं, ये नहीं है। पार्लियामेंट में जो 42% क्रिमिनल लोग हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड के लोग हैं, उनमें से 29% जघन अपराध के अपराधी हैं, हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग, बलात्कार। तो कितने दुष्ट लोग हैं कि सब बलात्कारी हमारे ऊपर थोपे हुए हैं। आज हमको जो है ना देखिए किस तरीके से ये चंदा वसूली करते हैं, किस तरीके से जो है ना धर्म के नाम पे पंडाल लगाने के लिए। आप बताइए क्यों जगह जगह गली गली में पंडाल लगना चाहिए जो रास्ते को अवरोधित कर रहा है? आप सिलेक्टेड जगह पे बहुत अच्छे भव्य जो है ना वो बनाइए, भव्य आयोजन करिए जिसमें आनंद ही आनंद बटे। जी जी जी। ये जो पंडाल धर्म के नाम पे जो है ना वहाँ पे छुछोरे गाने चलाए जाते हैं, लड़कियों के साथ छेड़खानी होती है, तो ये सब चीजें ये इन इन लोगों से इससे अच्छे आचार विचार की अपेक्षा कैसे की जा सकती है? कुसंस्कारित बच्चे तो यही सब करेंगे ना, और ये उद्योग बन गया है। आप बताइए जितनी भी झांकी लगती है वो जितना पैसा जो है ना खर्च करते हैं उससे 10 गुना पैसा वसूल कर लेते हैं। अच्छी बात है जी। और यही कारण है कि उसमें जो आजकल लॉटरी ऑटरी ये कार मिलेगी फलाना मिलेगी, वो क्यों कहां से आएगी वो? क्योंकि इतना ज्यादा कमाई हो रही है तभी तो कार बांटेंगे। जी जी जी। तो आज जो है पूरी दुष्टता का ही माहौल है, हम और आप सबके पैरों में बीमारी फटी हुई है। तो भाई साहब लाभ है या लाभ की फौज है? लाभ के ट्रक ही ट्रक खड़े हुए हैं, आप नहीं देख पा रहे हैं तो मुझसे पूछिए, मैं घंटों जो है ना इस पे भाषण दे सकता हूँ लाभ के ऊपर, राइट? और फिर जो है आपके से ये कह रहे हैं कि भैया आप पर्दे के पीछे रह के करना चाहते हो तो केवल सदस्य जो है ना शपथ को पूरा कर लीजिए, उसके संकल्प को पूरा कर लीजिए, और यदि आप चंद्रगुप्ती अपेक्षा रखते हैं तो चंद्रगुप्ती में बढ़ जाइए, लेकिन आपको मेरिट लिस्ट में तो आना होगा। क्यों? क्योंकि आपको बिना 5 पैसे खर्च किए टिकट भी मिल रहा है,
बिना 5 पैसे खर्च किए, बिना कोई जो है ना आम सभा किए, ना तो मैथिलीशरण गुप्ता आम सभा के लिए आएंगे, ना संजय सिवाल जी आएंगे, और आप जो मतदाता है वो अपने छत पे खड़े होके कहेगा ये हमारा चंद्रगुप्त है। तो बताओ आज के दुष्ट और काले चरित्र के नेता जो चार चार पांच पांच बार के विधायक सांसद मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, ये हारेंगे तो सही, इनमें से अधिकांश लोगों की जमानतें जब्त नहीं हो जाएंगी? राइट सर। नहीं, आपको क्या लगता है, आप जो है राजनीति से जुड़े व्यक्ति हैं, आप राजनीति के बारे में मुझसे बेहतर समझ रखते हैं। जनता अगर ठान ले तो किसी भी बाहुबली को हरा सकती है, किसी भी नेता को। भाई जनता तो इतने सारे लाभ के कारण आपसे जुड़ गई है। जनता दो भागों में बट गई है, एक वो जो सदस्य संकल्प को पूरा कर रही है, दूसरी वो जो चंद्रगुप्ती संकल्प को पूरा करने में लगी हुई है। तो जनता तो जागृत भी है और छत पे भी खड़ी है और चंद्रगुप्तों के फेवर में फैसला भी कर रही है, वो इनको थोड़ी हरा रही है, वो तो अपने चंद्रगुप्तों को जिता रही है। तो इनकी तो जमानत जब तो होना है ना, एज ए बाय प्रोडक्ट। राइट सर। अभी वो राजनेताओं को पराजित नहीं करेगी, वो अपने चंद्रगुप्त को विजयी बनाएगी। ये हारेंगे और इनकी जमानतें जब्त होंगी, इट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द वोटर्स, और जो सभी वोटर्स जो है वो क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य होंगे। और जब इतने लोग इतनी जगह पर जोड़ना चालू करेंगे, क्योंकि तभी तो मेरिट लिस्ट में आ पाएंगे वो। तो ये मुझे बहुत आसान लग रहा है, हम संशयों को छोड़ दें, और यदि कोई संशय है तो पूछ लें, अदरवाइज सदस्य संकल्प पूरे करने में क्या दिक्कत है भाई साहब? राइट सर, अजमाओ और देखो क्या प्रॉब्लम है। राइट सर। आपका हौसला कितना बड़ा हुआ है? मेरा तो सर लोग ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं, हौसलों का नहीं, और मेरा हौसला बुलंदी पे है। चलिए, तो अब जो है, कल मेरी बात हो रही थी जी बी एन पांडे जी, वो बहुत बहुत डेडिकेटेड मुंबई में रहते हैं, वो अपने आप में समर्पित हैं, बड़ा जो ना उनके पास तामझाम है, वो संत के वो करते हैं, क्योंकि बाबा जी ने उनसे कहा था कि आप जो है ग्रस्त आश्रम को नहीं छोड़ेंगे, राइट? तो वो ग्रस्त आश्रम में रह के संत जैसा जीवन बिता रहे हैं, अभी वो मिर्जापुर वगैरह गए हुए हैं, और तो इस तरीके से वो हमेशा लगे रहते हैं। कल मेरी उनसे बड़ी लंबी चौड़ी बात हुई थी, मेरे ख्याल से कल तक शायद वो अपलोड हो जाएगी, तो आप सुनिए, आपको आनंद आएगा। जी सर। शंकर जो है, जो अपने अशोक शर्मा जी हैं, उनसे बात होती रहती है, और अब वार्तालाप के सिलसिले बढ़ रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति उसमें लाभ देख पा रहा है। जी। तो यदि उसको खुद लाभ समझ में आ गया है, तो अब कोई कारण नहीं बनता है कि वो जो है वो उसको करे, वो ठीक है ना? राइट सर। तो मेरा आपसे कहना है, आपको पूरा संतोष हो गया है कि नहीं हुआ है? मुझे तो हमेशा संतोष रहता है जी। और जो लोगों ने पूछा कि लोग कह रहे हैं कि साहब जब टैक्स फ्री हो जाएगा तो पैसे कहाँ से आएंगे, तो हम कह रहे हैं पैसे नहीं आएंगे, कुबेर का पूरा खजाना ही आ जाएगा। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट साहब बैठे हैं जी, राजेश खवारे जी, उन्होंने भी सुनी। हाँ। और मेरे साथ साबिर भाई भी बैठे हैं जी, अभी हम लोग सब सुन रहे हैं। इनकी तरफ अपना मोबाइल घुमा दीजिए, वो यदि कुछ पूछना चाहते हो, कुछ चर्चा करना चाहते हो। आप बताओ सर। नमस्कार जी। नमस्कार, अपना परिचय दें। सर राजेश खवारे, एडवोकेट, दिल्ली कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ सर जी। तो जो आपने बात करी सर, वो तो आदर्श भारत हो जाएगा अगर ऐसा संभव हो सकता है। जब आदर्श भारत बिना खर्चे के हो सकता है, ये दुष्ट और काले चरित्र के सभी नेता पराजित हो सकते हैं, और आपके खीसे में 5 पैसे भी नहीं जा रहे हैं, आपको कोई तोड़फोड़ नहीं करना पड़ रही है, ना कोई जुलूस निकालना पड़ रहा है, ना कोई आंदोलन करना पड़ रहा है, तो हमें खुश होना चाहिए या हमारे पेट में दर्द होना चाहिए? नहीं सर, ये तो बहुत खुशी की बात है, मैं तो ये तो सपने की तरह लग रहा है। मैं सही बताऊं, अगर ये धरातल पर अब आपको मैं चिकोटी लेता हूं कि आपका सपना टूटा है, आप जो सुन रहे हैं वो मैथिली शरणगुप्त को साक्षात सुन रहे हैं। जी सर। तो आपका जो सपना सपना नहीं है, इस हकीकत में यदि आपको कोई संशय हो रहा है तो आप प्रश्न पूछिए। नहीं सर, मुझे जैसे लग रहा है कि सरकार चलाने के लिए जो रेवेन्यू चाहिए, गवर्नमेंट रेवेन्यू जो है, तो
तो जैसे ये बता रहे हैं कि क्या क्राइम से, जैसे कह रहे हैं कि पनिशमेंट के पेनल्टी के तौर पे जो आएंगे हम पैसे, नियम क्या कान वो देखिए देखिए, आपको इसके लिए हमारा वीडियो देखना पड़ेगा, क्राइम फ्री भारत, जिसमें 5 सर्टेंटी हैं, राइट। उसमें जी जो सर है वकील से लेके हर किसी को रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी और वो भर भर के मिलेगी। पहली बार फरियादी को भी पैसा मिलेगा, साक्षी को भी पैसा मिलेगा। यदि उसमें लैंग्वेज इंटरप्रेटर की जरूरत है तो लैंग्वेज इंटरप्रेटर को भी पैसा मिलेगा, डिफेंस लॉयर को भी पैसा मिलेगा, प्रोसिक्यूशन लॉयर को भी पैसा मिलेगा, और ये सब पैसे जो है सिस्टम देगा, राइट। वकील साहब और जो जज महोदय हैं उनको भी जो सैलरी मिलेगी, सभी की सैलरी दो पार्ट में बांट दी जाएगी, एक बेस जी सैलरी और दूसरा रेवेन्यू स्ट्रीम। और सम जी टोटल सर ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम जो आज सैलरी मिल रही है इससे दुगनी से ज्यादा होगी, मैं तो 5 गुनी भी कर सर दूंगा, राइट। मैं क्या पूछ रहा हूँ, जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो सरकार के पास जो चलाने की जो सिस्टम के पास रिवेन्यू आएगी, तो वो क्या जो आप कह रहे हैं क्राइम में, जैसे कि आपने मोटर व्हीकल एक्ट का लिया कि पेनल्टी लगी 2-2 हजार की, तो इतना जनरेट हो गया, तो जो हमारा क्राइम में कितना परसेंट जो है पॉपुलेशन का जो है क्राइम में इन्वॉल्व है, और क्या उससे इतने आपकी रिवेन्यू 100% हमारे। 100% पॉपुलेशन क्राइम में इन्वॉल्व है, बड़ा क्राइम नहीं है। देखिए आप जो गाड़ियां चला रहे हो, आप अपने नीचे उतर के आसपास देखिएगा, अधिकांश रजिस्ट्रेशन प्लेट भी जो है ना ठीक ढंग से नहीं लिखी हुई है, इट इज ए वायलेशन। और आपको मालूम है कितना स्ट्रिक्ट रूल है उसके लिए, पहली पेनल्टी 2,000 की है, दूसरी पेनल्टी 5,000 की है, तीसरी बार आपको 3 महीने में जेल भेजने की भी उसमें व्यवस्था है, जी, सर आपको मालूम है। तो जी, आप जो है चाहे हेलमेट लगाना हो चाहे वो हो, ये तो है। और फिर आगे चल के जैसे जैसे हम डिसिप्लिन होते जाएंगे तो इंटर लेन डिसिप्लिन के कानून आ जाएंगे, इंटर व्हीकल डिस्टेंस के कानून आ जाएंगे। आप ये बताइए कोई ट्रैफिक लाइट ही नहीं होगी तो आप समान गति से जहां चाहेंगे वो चल पाएंगे, कितना पेट्रोल डीजल बचेगा। आप जो टर्न लेंगे वो आपको एक ऐप के माध्यम से, जहां टर्न लेना है वो यू टर्न के माध्यम से आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। भारतवर्ष में कोई चौराहा ही नहीं होगा, भारतवर्ष में जी कोई चौराहा नहीं होगा तो ट्रैफिक लाइट की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब है कि आप डायवर्सन पॉइंट से डायवर्सन लेके आप अपनी जगह पे आप पार्क होंगे, और इसमें भी मदद करने के लिए ऐप होगा, तो आपको ये भी चिंता नहीं पालना है कि डायवर्सन निकल जाएगा। वो आपको समय के पहले बताएगा कि 20 मीटर्स और 100 मीटर फ्रॉम नाउ देयर इज अ डायवर्सन। तो टेक्नोलॉजी आपकी जिंदगी को मदद करेगी, आपको खौफ में जीने के लिए नहीं करेगी। लेकिन आज जो देखो सब चाहे पौं-पौं करते हैं, किसी कोई डिसिप्लिन मान ही नहीं रहा है। रोड पर जो है वायलेशन ऑफ द लॉ इज ए ऑर्डर, यस, जहां पर जो है ना आप देखो लोग बाग ट्रैफिक लाइट का वायलेशन कितने खुला खुला धड़ल्ले से करते जाते हैं, हम और आप जैसे लोग भी देखते हैं कोई नहीं है तो वायलेशन कर देते हैं, तो हमारी संस्कृति में आ गया है ये। और फिर आप जो सोच रहे हो कितना हमारा सिस्टम पे वर्डन कम होने वाला है, जब आपकी सैलरी को हम एक बेस सैलरी में कन्वर्ट कर देंगे और आपकी असली सैलरी आपके परफॉर्मेंस से आएगी, जो जिसमें रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी आपको, और वो रेवेन्यू स्ट्रीम कहीं दूसरी जगह से आने वाली हो तो आपका खर्चा ही 1/10 हो जाएगा। यहां खर्चा आपका 1/10 हो रहा है, वहां आपके पास जो रेवेन्यू 20 टाइम्स आ रही है, पेपर करेंसी बंद हो जा रही है, तो ना हवाला होगा ना ये होगा ना वो होगा, और उसके ऊपर 2% ट्रांजेक्शन फीस अकेली लगेगी, वो 2% ट्रांजेक्शन फीस विल मेक यू गिव यू 10 टाइम्स मोर रेवेन्यू, अकेली जो है पेपर करेंसी लेस भारत जो है ना विल गिव यू द 10 टाइम्स मोर रेवेन्यू। जब आपके पास रेवेन्यू की वर्षा हो रही है, आपका जो है ना खर्चा कम हो रहा है, तो भाई साहब आप पब्लिक के ऊपर टैक्स क्यों डालना चाहते हैं? आपके पास इतना पैसा होगा कि भारत जो है विश्व की सबसे बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब होगा। हर शहर में भारत का एक प्रतिबिंब होगा, तो एक मोहल्ला जो है वो तमिलनाडु होगा, एक केरला होगा, एक महाराष्ट्र होगा, कितना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, आप ये सोचो, ये भिन्न भारत होगा। अभी तो जी अभी जी तो अभी तो जो है ना मक्कारों और बदमाशों का भारत है ना, आप सुरक्षित महसूस करते हैं, और दिल्ली में स्पेशली,
दिल्ली में, अब आप ये बताइए ना, आपका पॉल्यूशन से लेके हर चीज, अकेला जो है ट्रैफिक फ्री, जो ट्रैफिक लाइट फ्री भारत करेंगे, आप बताइए दिल्ली वासियों की जिंदगी कितनी सुकून की हो जाएगी। जैसे ट्रैफिक में तो जो है गाड़ियों के मुझे लगता है कितना अच्छा, बहुत अब ज्यादा आप ये कंजेशन बताइए, यदि होगा। कन्वीनियंस आपके घर पहुंचेगी, आपके पास जो गाड़ी है, हम कहेंगे कि यू सब लेट इट टू अस, आपको जो है जब आप बटन दबाओगे तो एक व्यक्ति आपके पास पहुंचेगा कि यू आर द ऑनर, ऑनर्स क्लब के सदस्य हैं, वो आपको एक फ्लावर देगा और आपको लेके चला जाएगा, आपको ना अपनी गाड़ी धोना, ना पहुंचना, ना खड़ा करना, ना पार्क करना है, और आपको वो गाड़ी पैसा भी देना चालू करेगी। कितना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा और आपकी जिंदगी कितनी अगले सुकून की हो जाएगी। कोई आएगा तो मैं तुझे तो दूंगा। जी प्रॉब्लम सर, ये है कि अभी आपके दुष्ट राजनेताओं ने आपके ऊपर घटिया कानून थोप के रखे हुए हैं। आप वकील हैं, आप मुझे बताइए, आप एक व्यक्ति को मारो तो वही सजा, 25 को मारो तो वही सजा, गला दबा के मारो तो वही सजा, और उसको टुकड़े टुकड़े काट के जो अंगीठी में जला दो तो वही सजा। क्योंकि ये दुष्ट लोग हैं, कोई भी व्यक्ति अपने देशवासियों के ऊपर गुलामों के नियम कानून नहीं थोपता है। आप ये बताइए, वर्सिप प्लेसेस एक्ट को आप कैसा देखते हैं? सर बहुत सारा है। मैं एक बताऊं, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि गरीब आदमी की जमीन किसी ने छीन लिया, डिस्पोजेस कर दिया, और अगर वो बंदा अब उसको कोर्ट कहेगी कि पोजेशन का सूट फाइल कीजिए, अब उसको मार्केट वैल्यू के हिसाब से उस प्रॉपर्टी का कितना है, अपनी जमीन वापस लेने के लिए कोर्ट फीस इतनी देनी पड़ जाएगी अच्छा, उसको, ये मतलब। बताइए, कोर्ट फीस तो दूर है, आपकी किसी ने जी जमीन हत्या ली, इसकी रिपोर्ट करने के लिए आपको 5,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो आप बल्ले बल्ले फील करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, होता नहीं सर, 145 की अरे कलंदरा यार, होता कटती नहीं है है। और मैथिली शरण गुप्त जो, बाहुबली के जैसे सीक्वल में मैंने, ऑर्डर हो जाता मैथिली है। शरण गुप्त जो है 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करने वाले हैं। तो चलिए ये सर, नियम कानून तो बदलना है, ये तो हमें बदलना है ना, और मेरी ही सोच का हिस्सा है, तो मुझे किसी को आके कन्विंस थोड़ी करना। मैं तो कन्विंस हूं, मैं तो उसके ड्राफ्ट बना के रख रहा हूं, मैं तो इधर जी जी टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा ये भारत, टेक्नोलॉजी ड्रिवन भारत होगा, क्योंकि हमारा डीएनए खराब हो गया है। हम और आपको जब भी कुछ गड़बड़ी का मौका मिलता है, हम सब गड़बड़ी कर रहे हैं। तो आपको राइट टू प्राइवेसी होगा, लेकिन जैसे ही आप वायलेशन करोगे, योर राइट टू प्राइवेसी विल सीज टू हैपन। अपराध करने के लिए राइट टू प्राइवेसी नहीं है, सिस्टम इटसेल्फ विल मेक एक एफआईआर अगेंस्ट यू, और जब जबकि जो है ना, आप थाने जाने में एफआईआर की जरूरत नहीं होगी, और हम और आप पुलिस वाले हैं, राइट? आपको मालूम है कि नहीं, यू आर हैविंग द पावर टू अरेस्ट, यू आर हैविंग द पावर टू किल। 100 सेक्शन जो है ना आईपीसी का आपको अधिकार देता है कि आप जो है ना 7 परिस्थितियों में बिना जो है ना मर्डर किए यू कैन जो है ना किल ए पर्सन। फिर जो है ना, कैसे धमकी देके लोग मारे जा रहे हैं, जहां का हर पुलिस ऑफिस, जो हर व्यक्ति पुलिस ऑफिसर है। यू डू यू नो यू आर हैविंग द पावर टू अरेस्ट इवन इन फ्रंट ऑफ द पुलिस ऑफिसर। आप जो है यस यस सेक्शन 43, सर, ये एक्सरसाइज कहाँ करने देते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि तो ये पूरा सिस्टम ये चल रहा सिस्टम है की सर। दुष्टता है ना, ये सिस्टम जी की जी दुष्टता है, तो सिस्टम दुष्टता क्यों नहीं करेगा? अब बताइए, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक धेले भर का काम नहीं किया, तो उन्होंने पार्लियामेंट की सीढ़ी पर अपना माथा क्यों टेका था? मैं तो कह रहा हूं कि वो पार्लियामेंट की सीढ़ी पर जाए, अपना माथा फोड़े, माथा फोड़े, फोड़ना चाहिए उनको। आपने आर्टिकल 370 हटाया और उसके पीछे आप एक उतनी घटिया डोमिसाइल पॉलिसी ले आए हैं, कितने दुष्ट हैं आप। 1090 में, 1990 में जब जो है काश्मीरी पंडित भागे थे, जो दुष्ट मुगों ने होना कोई कार्रवाई नहीं की है, हमें कानून बना के उन्हें जेल में नहीं डालना चाहिए? बिल्कुल डालना चाहिए। तो ये, और ये जो बात हम कह रहे हैं, ये ऑलरेडी संविधान का हिस्सा है। संविधान का आर्टिकल जो है 356 क्या कहता है आपको, कि इफ यू आर नॉट जो है ना कंप्लाइंग विद द लीगल प्रोविजन, देन यू 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 योर गवर्नमेंट कुड बी डिसमिस्ड। बताइए, वेस्ट बंगाल में क्या नंगा नाच हो रहा है, माननीय नरेंद्र मोदी क्यों डिसमिस नहीं कर रहे हैं? बिहार में क्या नंगा नाच नहीं हो रहा है? कहां कहां नंगा नाच नहीं हो रहा है, इन्हीं के लोग नंगा नाच कर रहे हैं, तो आपको 356 में उसे उन्हें हम डिसमिस नहीं करना चाहिए? आपकी जुडिशरी जिसके आप जो है ना वो हैं, अब बताइए कितनी निर्लज जुडिशरी है कि वो जो है 87 परिवारों में ही अपने ही लोगों को जो है ना रिकमेंड कर देती है। तो भाई साहब, ये सभी को दे दो, इतना अच्छा है तो
आईएएस अपने परिवार के बच्चों को आईएएस बनाएंगे, आईपीएस अपने परिवार के बच्चों को आईपीएस बनाएंगे, बाकी जनता तेल लेने जाए। 13, 14, 12, 13, 14, 15 आप मेरी बात समझ रहे हैं? जी 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 एक सर, ही जी सर, उल्लू जी। काफी है बर्बाद गुलस्ता करने को, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलस्ता क्या होगा? आप ये बताइए, माननीय नरेंद्र मोदी जी को हमने चुन के भेजा, हमारी उनसे अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं पे वो खरे नहीं उतरे हैं। उनका 56 इंच का सीना 65 इंच का भी है तो उन्हीं के लिए मुबारक हो, देश की जनता को तो फायदा मिल नहीं रहा है। महंगाई देखिए कहाँ पहुंच गई है, सिलेंडर के भाव 1050 के में पहुंच गए हैं। आप बताइए जो है ना, पेट्रोल जो है ना 120 पे 125 पे पहुंच गया है। अभी चुनाव हो जाने दीजिए, ये सब जो है ना 1500 और 150 के होने वाले हैं। चारों तरफ दुष्टता है। अभी वो अडानी का चल रहा है कि साहब उन्होंने बड़ा फ्रॉड किया हुआ है। अब माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो है ना बरदस्त प्राप्त है, अब क्या कौन कर लेगा, अडानी का क्या कर लेगा? तो ये बातें जो है कहने की हिम्मत कम लोगों में है। मैं करेला और नीम चढ़ा हूं, टेक्नोक्रेट हूं 13 डिग्रियों के साथ, तीन तीन अवार्ड मिले हुए हैं, 13 मेडल मिले हुए हैं, हर परिस्थितियों में कश्मीर सहित काम किया हुआ है। मैं करेला और नीम चढ़ा हूं, मेरा कोई मुकाबला नहीं है। हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि बिना 5 पैसे खर्च किए, मेरा संकल्प है कि 2024 में सभी राजनेता पराजित होंगे। और अभी हमने जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी यही किया है कि हम 2023 में अपने चंद्रगुप्तों को उतारेंगे। तो चंद्रगुप्तों का कॉन्सेप्ट आप समझिए, क्या चंद्रगुप्तों का कॉन्सेप्ट है? ये लोगों के जो है ना नीचे की जमीन गायब होने वाली है। क्यों? क्योंकि जिन कार्यकर्ताओं के कारण ये राजनेता बने हुए हैं तो इतने दुष्ट हैं कि उन्हीं को धोखा देते हैं। 90 लोग जोड़ने को नहीं जाना। और इसमें सदस्य व्यवस्था भी है और चंद्रगुप्ती व्यवस्था भी है। चंद्रगुप्तों की चंद्रगुप्तों सुना, मैंने सारा कुछ सुना। ये भी तो कि आप ये बताइए, ये इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट है, जब इसको हवा लगेगी और वायरल होगा तो इसकी आंधी में ये सब दुष्ट राजनेता, जो काले चरित्र के राजनेता जिनकी शिक्षा और सोच नहीं है, अकेली पुलिस रिपोर्ट के आधार पर अधिकांश को तो जो है ना चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलेगी। अब ये बताइए कि जिला बदर, जिसको तड़ी पार कहते हैं, वो आपका मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर है, इस देश के लिए लज्जा का विषय नहीं है ये? और आप माननी माननी कहते हुए आप लोगों का गला नहीं थपता है? मोदी जी मोदी जी मोदी जी कहते हैं, वो नहीं थकता है? अब मुझसे किसी ने पूछा कि भाई ये कहते हैं कि इन्होंने चाय बेची, जिस जगह के रहने वाले हैं वहां तो रेलवे स्टेशन ही नहीं थी, तो ये कहाँ चाय बेचते थे? किसी ने मुझसे पूछा, हेलो किसी ने मुझसे पूछा, सुनिए मैं आपको बताता हूँ, किसी ने मुझसे पूछा कि इन्होंने अभी बनारस में ये कहा है कि 40 साल तक इन्होंने भीख मांगी, तो वो व्यक्ति मुझसे पूछने लगे कि भाई साहब ये बताइए कि इन्होंने कहाँ भीख मांगी और कब से कब तक मांगी है। तो मैंने कहा भाई मुझसे क्यों पूछते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछिए जिन्होंने कहा है, मैंने तो सुना भी नहीं है। तो हम कितना ड्रामा नाटक करेंगे, हमारा चरित्र कहाँ है? आप ये बताइए, वर्शिप प्लेसेस एक्ट जो है एक घृणित कानून है, जिसने भारतीयों से न्याय की भीख मांगने का हक छुड़ा लिया है, जिसने जो है भारत माता से ये कहा है कि हे भारत माता, जो आक्रमणकारी आता ताई आए, उसने जो आपके चेहरे पे जो है वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूनों को तोड़कर जो कुरूपियां जो है ना आपके चेहरे पे दी हैं, तू गुलामों की माँ है, तू इन्हीं कुरूपता के साथ जी, क्योंकि तेरे लिए कांग्रेस जैसे घटिया और नरसिम्हा जैसे राव जैसी बैसाखी गवर्नमेंट ने एक घटिया कानून बना दिया है। 56 इंच के सीने वाले को जो है ना ये हिम्मत नहीं पड़ रही है कि उसे रिपील कर दें। काय का 56 इंच का सीना है, किस बात का 56 इंच का सीना है? लज्जा आना चाहिए, शर्म आना चाहिए। हमें जो है ना सुप्रीम कोर्ट में जो है ना PIL लगाना पड़ रही है, हमें सुप्रीम कोर्ट में PIL क्यों लगाना पड़ रही है? हमने जो है इनको पार्लियामेंट में बैठ के कानून बनाने की शक्ति दी है, तो वो क्या झुंझुना था क्या? मैं तो रोज देखता हूं। आप मेरी बात समझ रहे हैं?
जी सर, जी चलिए, सर, यदि आपकी बात यदि आपके पास कोई प्रश्न नहीं है तो फिर इस वार्तालाप को समाप्त करेंगे। जी सर, लीजिए नेताजी से बात कीजिए। सर, इन्होंने एक बात तो बताई नहीं आपको हाँ कि ये भी अपराध मुक्त भारत मिशन का हिस्सा है। नहीं तो ये सदस्य हैं या चंद्रगुप्त हैं, क्या है इनकी सोच सदस्य है, है? सदस्य है, हाँ ठीक है, ठीक और देखिए ये सर, सदस्य बस ये मेरे कंधे पे रख के बंदूक चलाना चाहते हैं बस। नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मैं देखिए साथ है जी। देखिए हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों से जो है ना के समझ से जी रहा है। जी सर, यदि वो सदस्य संकल्प को पूरा कर लेता है तो हमारा काम तो खत्म हो गया है ना। जी हमें सर, तो सिर्फ जो है ना चंद्रगुप्त इसलिए थोड़ी चाहिए, चंद्रगुप्त इसलिए चाहिए कि मुझे किसी न किसी को टिकट देना है, राइट? तो हमें एक ऑब्जेक्टिव आधार चाहिए टिकट बांटने का। अदरवाइज देखा जाए तो हमें चंद्रगुप्तों की आवश्यकता ही नहीं है। राइट सर। आप ये बताओ, हमें चंद्रगुप्तों की आवश्यकता है क्या? नहीं, चंद्रगुप्तों की तो आवश्यकता यदि है सर। नहीं, चंद्रगुप्तों की आवश्यकता सिर्फ इसलिए है कि हमें टिकट बांटना है और उन जिससे कि हम किसी तो को इन राजनेताओं के विरुद्ध आवश्यकता खड़ा करेंगे, राइट? है सर, जी, इसीलिए अदरवाइज आवश्यकता है। अदरवाइज जो है जो हमारे सदस्य संकल्प है उसकी पूर्ति यदि हम ईमानदारी से कर लेते हैं तो हम संकल्प के आधार पर जिसको चाहेंगे उसको जिता देंगे, क्या दिक्कत है? राइट सर, तो चंद्रगुप्त जो है सिर्फ इसलिए चाहिए जिससे कि जिसने मेहनत की हो अपने कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठ के, जिसने अपने जो है ना को मेरिट लिस्ट में लाया है, ऐसा एक ऑब्जेक्टिव आधार पर टिकट मिले, कितने आनंद की बात है। आप आज ये बताइए, आपको लोग सिफारिश, अभी बताइए केजरीवाल को जो है ना म्यूनिसिपल टीम में 1.5 करोड़ रुपए दिए और उस दुष्ट ने जो है ना उनके पेपर भी रख लिए और पैसे भी रख लिए और टिकट भी नहीं दिया, तो ये तो शुद्ध दुष्ट लोग हैं ना। जी, वो तो देशद्रोही है जी, भ्रष्टाचारी है, वो तो गद्दार है जी देश का। तो गद्दार है फिर भी जो है इस देश की जनता एक के बाद एक स्टेट उसको दे रही थी और उसको तो लग रहा था कि गुजरात भी मिल जाएगा उसे। हमारे देश की जनता आराम का खाना चाहती है सर, इसलिए आरामखोरी के चक्कर में आ रखी है। तो यदि आप 10 गुने ज्यादा जो है ना यदि आप समृद्ध हो जाएंगे और मेहनत का जो है ना भी आप खा भी पाएंगे और एंजॉय भी कर पाएंगे तो ये जो नीति है आपकी ये अपने आप बदल जाएगी। राइट सर, बिल्कुल बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? बदल जाएगी सर। तो बस इसके साथ ही जो है अब इस वार्तालाप को अपन समाप्त करते हैं। ओके सर, जय हिंद सर, चलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर।